बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की दो एक्स्ट्रा टिकट्स ईसीबी यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से मांगी तो ईसीबी ने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। ये बात बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कसम खा ली कि चाहे जो भी हो जाए वो एक दिन इस क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को इंडिया में जरूर लेके जाएंगे, इन्हें इंडिया होस्ट करेगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया अनएक्सपेक्टेडली वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गया जो कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाना था। उस वक्त के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी सेल्व ने ईसीबी से कहा कि उनको दो एक्स्ट्रा टिकट्स चाहिए मैच देखने के लिए क्योंकि उनके साथ दो और लोग आ रहे हैं, लेकिन ईसीबी ने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। अब ईसीबी ने ऐसा अपने ईगो की वजह से किया या किसी और वजह से, ये एक अलग डिबेट है। खैर ये वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया। इस जीत ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया नेक्स्ट वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स भी जीत गया और इस तरह पहली बार 1987 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर खेला गया जिसको इंडिया और पाकिस्तान ने जॉइंटली होस्ट किया था और इस तरह होस्टिंग राइट पे ईसीबी की मोनोपोली भी खत्म हो गई। 1987 वर्ल्ड कप में पहली बार रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने $1 मिलियन दिए टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए और इस तरह इंडिया में क्रिकेटिंग स्पॉन्सरशिप का आगाज हुआ। 1987 से लेकर 1992 तक बीसीसीआई फाइनेंशियल क्राइसिस में रहा लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बदल रहे थे। 1983 की तरह 1993 भी बीसीसीआई के लिए काफी अच्छा साल था। 1993 में आईसीसी में एक सबसे अहम बदलाव हुआ जो आगे चल के सिर्फ बीसीसीआई के लिए ही नहीं बल्कि एशियन क्रिकेट के ग्रोथ और पावर का कारण बना। 1993 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपना वीटो पावर खोया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि फाउंडिंग मेंबर थे इसलिए उनके पास 1993 तक वीटो पावर था। वीटो पावर्स का मतलब था कि आईसीसी की मेंबरशिप और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बदलाव सिर्फ इन दोनों कंट्रीज के अप्रूवल के बाद ही हो सकता था। वीटो पावर खत्म होने के बाद पहली बार कोई एशियन बंदा आईसीसी का प्रेसिडेंट बना और वो कोई और नहीं बल्कि जगमोहन डालमिया थे जिनको 1997 में आईसीसी के प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। बीसीसीआई के इस लगातार बढ़ते पावर और प्रेस्टीज का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है जगमोहन डालमिया जी को जो 1992 में बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने। बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनने के साथ ही उन्होंने स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग राइट को पहली बार प्राइवेट चैनल्स को देने का फैसला किया। 1992 में दूरदर्शन ने बीसीसीआई से कहा कि इंडिया में खेले जाने वाले हर एक मैच को टेलीकास्ट करने के लिए उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए लेकिन अगले ही साल दूरदर्शन को लेने के देने पड़ गए क्योंकि 1993 में बोर्ड ने इंडिया इंग्लैंड सीरीज के टेलीविजन राइट्स ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को बेच दिए। अब दूरदर्शन को भी मजबूरन ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल को 1 मिलियन देने पड़े इन मैचेस को इंडिया में टेलीकास्ट करने का हक हासिल करने के लिए। इस एग्रीमेंट से पहली बार बीसीसीआई को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ और वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकला। दूरदर्शन की मोनोपोली खत्म हुई वहीं दूसरे प्राइवेट चैनल की एंट्री की वजह से कंपटीशन शुरू हुआ और इस तरह जहां एक तरफ क्रिकेट को एज ए स्पोर्ट और ज्यादा प्रमोशन मिली वहीं बीसीसीआई और प्लेयर्स की अर्निंग भी बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी। उनका रोल आईसीसी वर्ल्ड कप को 1987 में और फिर 1996 में इंडिया में लाने में भी काफी इम्पोर्टेंट था। जगमोहन डालमिया ने सिर्फ बीसीसीआई को ही मजबूत नहीं किया बल्कि उन्होंने जो किया उसका फायदा सारे एशियन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस को हुआ। 1997 में आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद जगमोहन डालमिया ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मोनोपोली को एक और झटका तब दिया जब उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस देकर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का फाउंडेशन रखा। 2007 में जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो बीसीसीआई को ये महसूस हुआ कि इससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता एक अपनी T20 लीग शुरू करने का और उसके अगले साल ही बीसीसीआई ने IPL का आगाज किया। IPL के आने की वजह से बीसीसीआई का एक नया दौर शुरू हुआ। IPL ने बीसीसीआई को बहुत ज्यादा पैसे कमाने का मौका दिया। बॉलीवुड और क्रिकेट का ऐसा मिश्रण पहले कभी देखने को नहीं मिला जिसे इंडियन पब्लिक ने बहुत पसंद किया। IPL के आने के साथ ही जहां एक तरफ पुराने स्टेडियम स्पेक्टेटर्स के लिए छोटे पड़ने लगे तो वहीं BCCI का बैंक अकाउंट भी। बॉलीवुड के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर्स और बिजनेस जायंट्स ने भी क्रिकेट में हिस्सा लेना शुरू किया। BCCI के लिए व्यूअरशिप कभी भी एक इशू नहीं रहा फिर चाहे वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो या IPL और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इंडिया में खेले जा रहे मैचेस के दौरान स्टेडियम्स में तो मिलता ही है वहीं कई बार फॉरेन स्टेडियम्स में भी देखा जा सकता है कि वहां के लोकल स्पेक्टेटर्स से ज्यादा भारतीय फैंस होते हैं वहां।
यही क्रिकेट फैंस यानी मैं और आप ही बीसीसीआई का सबसे बड़ा एसेट हैं, जिनकी वजह से वो इतना ह्यूज प्रॉफिट कमाता है। एक छोटी सी एग्जांपल से समझें तो पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि आईपीएल की तरह पाकिस्तान का एक टी20 लीग है, उसने 2023 में टोटल 5.6 बिलियन पीकेआर, जो कि लगभग उस वक्त 20 मिलियन यूएस डॉलर बन रहे थे, पूरे टूर्नामेंट से कमाए। और पीएसएल की टोटल कमाई का 5% जाता है पीसीबी को, जो कि लगभग 1 मिलियन यूएस डॉलर बनता है। वहीं बीसीसीआई को आईपीएल के हर एक मैच से 12 मिलियन यूएस डॉलर मिले 2023 में, यानी पीसीबी ने पूरे टूर्नामेंट से सिर्फ 1 मिलियन यूएस डॉलर कमाए, वहीं बीसीसीआई ने सिर्फ एक मैच से 12 मिलियन। किसी एक बोर्ड का इतना अमीर बन जाना इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे 1997 से पहले इंग्लैंड क्रिकेट की मोनोपोली ने क्रिकेट के ग्रोथ को नुकसान पहुंचाया, वैसे ही बीसीसीआई के इतने पावरफुल होने से क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट में एक डिसबैलेंस पैदा हो रहा है, जो कि किसी भी स्पोर्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें बीसीसीआई की गलती नहीं है, हाँ उसकी मेहनत जरूर है। मेरे मुताबिक बीसीसीआई का ये ग्रोथ और इन्फ्लुएंस एक ऑटोमेटिक चीज है। अब फॉर एग्जांपल यूरोप में फुटबॉल का इतना क्रेज है, इतनी व्यूअरशिप है, जो कि क्रिकेट से भी ज्यादा है, लेकिन वहाँ ऐसा डिसबैलेंस नहीं है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज की व्यूअरशिप ऑलमोस्ट सेम है या 19-20 का फर्क है। वहीं इंडिया इस वक्त दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और इसका फायदा अगरचे इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं उठाया है, लेकिन बीसीसीआई ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को बीसीसीआई से सीखना चाहिए कि पॉपुलेशन को एक प्रॉफिटेबल एसेट कैसे बनाया जाता है। आईसीसी के नए रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक अब बीसीसीआई को 2024 से 2027 तक आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 38.5% मिलेगा। वहीं दूसरे बोर्ड्स की बात करें तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड्स यानी ईसीबी को लगभग 5.89%, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को 6.25% और पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 5.75% मिलेंगे। बाकी के 8 फुल मेंबर्स को लेस देन 5% ईच मिलेगा, और 90 प्लस एसोसिएट मेंबर्स में बाकी का 11% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो गलत बात है, आखिर बीसीसीआई को इतना ज्यादा परसेंट क्यों दिया जा रहा है। तो उसका जवाब है कि बीसीसीआई आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का 70-80% कंट्रीब्यूट करता है, यानी आईसीसी के टोटल अर्निंग का 70-80% रेवेन्यू इंडिया से आता है थ्रू स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस सारे डिस्कशन पे आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मैं काफी मोटिवेटेड फील करता हूँ। थैंक यू।